को नहीं, मक्खन के जैसा फ्राई करना चाहिए। अगर आप एक नया बिगनर हो या आप एक न्यू बिगनर हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। चलिए गाइस शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। देखो गाइस, अगर आपको ड्रोन जो रहता है उसको इम्प्रूव करना है, यानी कि फ्लाइंग स्किल्स इम्प्रूव करना है, तो कुछ नहीं करना है, बस अपना जो ब्रेन है उसको अपने ड्रोन की तरफ ही लगाना पड़ता है। जब भी आप ड्रोन फ्लाई कर रहे हो तो मैं अक्सर देखता हूँ बिगनर्स को वो क्रैश कर देते हैं अपना ड्रोन्स। देखो क्रैश करना कभी भी नहीं करना, अगर आप क्रैश करने के लिए ड्रोन बना रहे हो तो चलिए क्रैश करिए, आप ड्रोन कितना क्रैश कर दे, लेकिन ड्रोन इतना भी मत क्रैश करिए ना गाइस। आपको ड्रोन उड़ाना नहीं आ रहा होगा या आपको ड्रोन उड़ाने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो आज की इस वीडियो में आपको पूरे प्रॉब्लम्स में बोलूंगा अगर आप ऐसा ड्रोन क्यों होता है एक नए बिगनर के साथ। देखो कैसे, अगर एक पहले बिगनर हो तो पहले देखो कि आप नॉट मतलब पहले देखो आपकी ड्रोन किसको देख के बना रहे हो, इसको देख के मत बनाओ, अपने ड्रोन को अपने टैलेंट से बनाओ। देखो कैसे ड्रोन फ्लाई करने के लिए महत्वपूर्ण क्या रहता है, तो उसका ट्रांसमीटर रहता है। तो चलिए गाइस ट्रांसमीटर्स में आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या कंट्रोल करना पड़ता है अपने ड्रोन्स को। ओके तो ओके अपन आप ट्रांसमीटर करने आ चुके हैं। चलिए गाइस इसको ऑन करके आपको बताऊँगा मैं ड्रोन कैसे उड़ा सकते हैं। आपको बस मीडियम टोटल देना है, ना कि आपको एकदम हाई नहीं देना है, एकदम मीडियम मीडियम देना है आपको। वहाँ पे देखो मेरा ड्रोन चालू है, देख सकते हो आप, तो आपको मीडियम मीडियम जितना आप मीडियम मीडियम टोटल दोगे अपना ड्रोन उतने से अच्छा उड़ेगा और उतने से अच्छा फ्लाई करेगा। अगर आप ज़्यादा टोटल दे दोगे, एकदम दे दोगे, तो ड्रोन डेफिनेटली क्रैश होगा। तो हमेशा देखिए मीडियम टोटल देने का चाहिए अपने ड्रोन्स को। जो सेकेंड स्टेप भी है वो बहुत ही ईजी है। सेकेंड स्टेप में आप ड्रोन ज़्यादा उड़ाते हो तो लेफ्ट राइट आराम से करो गाइस, जो मैं लेफ्ट राइट कर रहा हूँ इसको बैक करना आराम से, फिर फॉरवर्ड करना, फिर राइट करना, फिर लेफ्ट करना, मतलब आपको आराम से करना होता है। अगर आपको ट्रांसमीटर लो बैटरी दिखा रहा है, रेड कलर की लाइट दिखा रहा है, तो बैटरी चेंज कर लो। मेरे पास लैपटॉप का शेल्फ है, तो ऐसा करके आप अपने ड्रोन को अच्छे से अप्लाई करूँगा। इसका भी मैं एकदम ज़ोर से टोटल मत दो, इसे एकदम मत दियो, मीडियम मीडियम जितना मैं बता रहा हूँ, 50, 60, 70, 80, 90, 100 से ऊपर लेके जाओ ऐसा फ्लाई करने का रहता है ड्रोन। और कभी भी एकदम फॉरवर्ड मतलब एकदम सडन मत करो, धीमे धीमे करने का फॉरवर्ड, और धीमे धीमे बैक करना, और धीमे धीमे राइट, धीमे धीमे ऐसा। क्यों बोलते हो, अगर आप जोर जोर करोगे जो सेंसर है वो नहीं पहचानेगा कि आप क्या कर रहे हो भाई, समझे, ऐसा ड्रोन्स का मैटर है।